और अब ये हम पहुंच चुके हैं कोवलम बीच। यहाँ पर आप देखिए ये एंट्री हो चुकी है। और ये है इंटरनेशनल कोवलम बीच, जहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक आप देख सकते हैं या रहे हैं। और यहाँ सनसेट देखने का बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा लेट है, मगर फिर भी आज क्लाउडी डे था, इसलिए हमको वो नज़ारा नहीं हो सका। मगर फिर भी आप ये समंदर की उठती ऊंची ऊंची लहरें देख सकते हैं। और ये मार्केट हम देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पर। और ये कोवलम बीच का मार्केट है। स्वामी पद्मनाभ मंदिर के लिए अब हम रवाना हो रहे हैं। और इसी के साथ कोवलम बीच का ये टूर यहाँ पर हम केरल में छोड़ रहे हैं। और अब यहाँ से हम त्रिवेंद्रम जा रहे हैं, जहाँ पर स्वामी पद्मनाभ मंदिर के हम कल सुबह दर्शन करेंगे। और ये सफ़र यहाँ से शुरू हो चुका है और ये हमारी रवानगी लग चुकी है। हम बाहर निकल रहे हैं। ये वही होटल जहाँ हमने आकर सबसे पहले देखा था, ड्रीम पैलेस। और ये अब हम आ चुके हैं त्रिवेंद्रपुरम में, और यहाँ पर एंट्री हो चुकी है हमारी। और कुछ ही दूरी पर टेंपल है, हम आपको लिए चल रहे हैं। लगभग मंदिर के नजदीक पहुंच गए हैं। ये पूरा सोने का बना हुआ मंदिर है और इसकी बड़ी चर्चा रहती है। सबसे लेटे हुए श्री हरि विष्णु यहाँ पर हैं और राजवंश का ये मंदिर हुआ करता था, मगर अभी सरकार के हाथों में है, मिलिट्री का पूरा कमांड यहाँ पर है। और अंदर मोबाइल कैमरा सब ले जाना मना है, क्योंकि धोती और गमछा में सिर्फ जाना रहता है उधर, तो इसीलिए छुपा के ले जाना भी मुश्किल है। हम बाहर तक आपको दिखाएंगे, अंदर के दर्शन हम स्वयं करके आएंगे और आप सबकी ओर से भी हम प्रार्थना करके आएंगे कि स्वामी पद्मनाभ मंदिर दर्शन के लिए हम तिरुवनंतपुरम केरल में अभी निकल चुके हैं। और ये मंदिर
मंदिर का पश्चिम द्वार है। क्योंकि यहाँ से मोबाइल कैमरा सब प्रतिबंधित है, इसलिए अब हम यहाँ से शूटिंग बंद कर रहे हैं और अब आपको हम मिलेंगे पूर्व द्वार पर सीधा। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। और ये स्वामी पद्मनाभ मंदिर का पूर्व द्वार है और यहाँ से हमको फिर से कैमरा और मोबाइल प्राप्त हो गए हैं। यहाँ आपको दर्शन करा रहे हैं हम पूर्व द्वार से। पश्चिम द्वार से हमने प्रवेश किया और ये पूर्व द्वार पर हम पहुंच चुके, बाहर निकले हैं और यहाँ से भी प्रवेश होता है। यहाँ चेंजिंग रूम्स वगैरह बने हैं, बाथरूम्स हैं, लेटरिन्स हैं और यहाँ स्टे के लिए भी रूम्स हैं और डॉर्मेट्री है 200 रुपये से लेकर 600 रुपये तक, मगर कॉमन बाथरूम वगैरह रहता है, लॉकर वगैरह यहाँ बने हुए हैं। अंदर दर्शन की सुविधा है, 500 रुपये की स्पेशल पूजा है जिसमें आप बिल्कुल सम्मुख से दर्शन कर पाते हैं। 50 रुपये की एक टिकट है जिससे अंदर तक जा पाते हैं और सामान्य दर्शन और बाहर से कर पाते हैं। इसके अलावा भी यदि आप आते हैं तो पैसा रख कर लाइए, अंदर काफ़ी सारी पूजा अभिषेक अर्चना अलग अलग होते हैं, उनके लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं। 200 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये से लेकर 40,000 तक की अलग अलग पूजा अर्चना होती हैं, तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। और काफ़ी मनोहारी दृश्य होता है, आनंद आ जाता है। कोई बिजली का कोई उपयोग नहीं अंदर किया जाता मंदिर में, सब दीपों की रोशनी में दर्शन होते हैं। और ये पूर्व द्वार और आनंद, भूथैन मालिगा पैलेस म्यूजियम है, दो म्यूजियम इसके अंदर हैं और 80 रुपये का टिकट होता है दोनों म्यूजियम का मिला के। यहाँ शॉप्स हैं और ये हम म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं। 80 रुपीज़ है। ओके, हाँ 80 रुपीज़। और ये एंट्रेंस है यहाँ से, वेलकम टू महाराजा स्वाति तिरुन्नल, स्वाति तिरुन्नल पैलेस म्यूजियम। और ये बहुत ही सुंदर सुंदर केला, केला भी लग रहा है इसमें, छोटा बोटा बड़ा केला। तकाने के पैलेस म्यूजियम आर्ट गैलरी और ये एंट्री। ये हाथी देखे आप, हाथी कितना विशाल हाथी था, कैसे विशाल दांत उसके। ये हाथी था वो जहाँ महाराजा बैठते, ये मरने के बाद उसको यहाँ उसका ओरिजिनल सब सुरक्षित कर लिया आप छोड़ के। चलो ये है आर्ट गैलरी चित्रालयम पैलेस म्यूजियम जो हम आपको दिखा के आए, ये उसका एक और गेट है, यहाँ से एग्जिट है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रातःकालीन सत्र जिसमें हमने स्वामी पद्मनाभ मंदिर के दर्शन किए बिल्कुल सम्मुख से, और उसके बाद में जो महल है स्वाति, अब वो नाम फिर से थोड़ा सा, तो जो राजमहल है उसके अंदर हमने म्यूज़ियम के भी आपको दर्शन कराए, जो म्यूज़ियम बना हुआ है, और महल के भी दर्शन कराए, साथ में जो चित्रालय था उसको भी हमने देखा। और अब हम यहाँ से थोड़ा और जो एक दो साइट सीइंग होगा वो करके फिर हम सीधे पहुँचेंगे
पुनः मदुरई हाँ, कल हम मीनाक्षी टेम्पल के भी दर्शन करेंगे और दूसरी साइट सीइंग भी करेंगे। अभी हम हेज हाइनेस उथरा डोम तिरुअनल माराथंडा वर्मा चित्रालयम यहाँ हम निकले हैं। ये श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया है, लंच वगैरह सब, और बहुत अच्छा यहाँ पर ये फूड है, टेस्टी फूड है और बहुत साफ सफाई के साथ में एसी भी है और नॉन एसी सिटिंग भी है। ये यहाँ पर हमारे साथ ऑनर है। क्या शुभ नाम है आपका? ब्लेसी। और क्या क्या अवेलेबल है, क्या रेस्टोरेंट का नाम है? अन्नपूर्णा, श्री अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है। क्या क्या अवेलेबल है? मसाला डोसा, प्लेन डोसा, घी रोस्ट, चना भटूरा, लंच मील्स है, बिरयानी, फ्राइड राइस, नूडल्स। थैंक यू। और ये इतना नज़दीक है कि आप देख सकते हैं ये सीधा मंदिर के पश्चिम गेट के यहाँ पर ये रेस्टोरेंट आता है और ये मंदिर का पश्चिम गेट है, आप देख रहे हैं। और इसी के साथ अब हमारी यात्रा जो है आगे चलने वाली है। मदुरई के लिए अब हम निकल रहे हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी, और ये बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर जो है कलाकृतियाँ हैं मौजूद, जो आप परचेज कर सकते हैं यहाँ यादों के रूप में। और ये बिल्कुल मंदिर के पश्चिम द्वार के बिल्कुल बाहर ही मौजूद है। और ये बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर आइटम उपलब्ध हैं। ये केरला सरकार की लाटरियाँ हैं, ये सभी लाटरियाँ यहाँ पे मिल रही है। आज की यात्रा तिरुवनंतपुरम की यहाँ पर समाप्त होती है और अब यहाँ से रवानगी मदुरई के लिए। कल सुबह मीनाक्षी मंदिर टेम्पल और अन्य साइट सीइंग, देन हैदराबाद